Hello everyone, this is R.S. Agrawal from Rankers Classes. Today I am going to explain UPSC Civil Services Commerce and Accountancy syllabus. Before I explain, I want to tell about us. We are Rankers Classes working for the past 22 years exclusively for commerce. We have produced 270 plus ranks up to this year, and our latest rank is AIR-2 by Gaurima Lohia with Commerce and Accountancy optional, and she has been our online foundation course student, right? Let us see. Civil services overall scheme can be divided into two parts. Do part hain iske, ek preliminary examination aur ek mains examination. Preliminary examination objective type hota hai. Objective type means isme MCQs hote hain, right? और उनको टिक मार्क करना होता है, ओएमआर शीट पे टिक मार्क करना होता है. अगर आप ये पास कर लेते हैं तो इसके बाद मेंस एग्जामिनेशन अपीयर करते हैं, वो सब्जेक्टिव टाइप होता है. सब्जेक्टिव टाइप का मतलब आपको डिटेल में आंसर्स लिखने होते हैं, जैसे यूजुअल लिखते हैं. प्रीलिम्स के अंदर देखिए, प्रीलिम्स के अंदर जो है दो सब्जेक्ट हैं, पहला है जनरल स्टडीज एंड सेकेंड इज सी सेट. जनरल स्टडीज 200 मार्क्स का है, इसमें यही मेन एग्जाम होता है. जो सी सेट है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, 200 में से आपको अराउंड 67-70 मार्क्स लेने होते हैं, 67-68 मार्क्स लेने होते हैं, राइट? और 200 में से मेरिट बनती है, 200 में से अराउंड 90-100 मार्क्स आते हैं, तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं. मेंस एग्जामिनेशन के अंदर टोटल मार्क्स हैं 2025, और मेंस में मेरिट के बेस पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है. राइट, लेट अस सी. मेंस के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट है रिटन एग्जाम और दूसरा है इंटरव्यू. रिटन एग्जाम भी सब्जेक्टिव होता है, 1750 मार्क्स का होता है, इसकी डिटेल हम देखेंगे, और इंटरव्यू 275 मार्क्स का है. इस तरह से 20-25 मार्क्स का मेंस एग्जामिनेशन होता है जिसके बेस पर मेरिट बनती है. अब हम रिटन एग्जामिनेशन देखते हैं. रिटन एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव है, 1750. इसमें सबसे पहले आते हैं लैंग्वेज पेपर्स. लैंग्वेज पेपर में दो लैंग्वेज पेपर हैं, एक इंग्लिश वो जो कंपलसरी है, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो शेड्यूल है उसमें लैंग्वेजेज हैं, उसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी, उड़िया, पंजाबी एटसेट्रा, आप जो भी लैंग्वेज चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं. और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका मतलब ये है ये चेक होने के बाद ही आपकी बाकी कॉपी चेक होंगी. उसके बाद आपका जो मेन मार्क्स हैं उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहला है ऐसे पेपर, 250 मार्क्स का होता है, इसमें दो ऐसेज आते हैं, 125 मार्क का एक ऐसे, और एक ही पेपर होता है ये, मतलब एक ही शीटिंग में आपको एग्जाम देना होता है, एक ही दिन में ये फिनिश हो जाता है. उसके बाद है ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ये टोटल 500 मार्क्स का है, जिसमें 250 मार्क्स के दो पेपर होते हैं, एक पेपर मॉर्निंग में होता है 3 आवर्स का, एक पेपर आफ्टरनून में होता है 3 आवर्स का. 250 मार्क्स के होते हैं, इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे. और जो मेन है वो है जनरल स्टडीज. जनरल स्टडीज 1000 मार्क्स का है, जिसमें 4 पेपर होते हैं, 250 मार्क्स ईच, जो 2 दिन तक चलता है, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग, राइट? लेट अस डिस्कस नाउ. सी द ओवरऑल मेरिट लिस्ट. ओवरऑल मेरिट एट प्रीलिम्स लेवल इज अराउंड 90-100 मार्क्स. ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ. ओबीसी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एससी एसटी, उसकी मेरिट और नीचे जाती है. अगर कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का 90 और 100 के आसपास ले जाता है, क्योंकि वो हर साल वेरी करती है, तो उसको मेंस रिटर्न में बैठने की परमिशन दी जाती है, जिसमें मिनिमम कट ऑफ 750 से लेकर 800 तक जाती है. अगर आप ये कट ऑफ से ऊपर आपके मार्क्स हैं, देन यू आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, राइट? इंटरव्यू में जो मार्क्स होते हैं और रिटर्न के मार्क्स जोड़कर मेरिट, मिनिमम मेरिट अराउंड 900 मार्क्स की जाती है, मतलब इससे ऊपर आने पर लिस्ट में आने के चांस होते हैं. हाईएस्ट मार्क तो 1100 से ऊपर जाता है, फॉर एग्जांपल गरिमा लोहिया का 1100 से ऊपर मार्क्स थे, राइट? और ये मेरिट चेंज होती रहती है ईयर आफ्टर ईयर, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. 8-10 मार्क्स का यहाँ फर्क पड़ता है, 10-20 मार्क्स का यहाँ पर फर्क पड़ता है, और यहाँ पर भी 20-30 मार्क्स का फर्क पड़ता है, राइट? अब हम कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल का सिलेबस डिस्कस करेंगे, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, राइट? लेट अस सी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी. कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी जैसा कि हमने पहले देखा था 500 मार्क्स का है, इसमें दो पेपर हैं, पेपर वन 250 मार्क्स और पेपर टू 250 मार्क्स. दोनों पेपर में एक सेक्शन ए होता है, एक सेक्शन बी. पेपर टू में भी सेक्शन ए सेक्शन बी. इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन आते हैं,
सेक्शन बी में भी चार क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह सेक्शन ए में यहां पर फोर क्वेश्चन है, सेक्शन बी में फोर क्वेश्चन है, और दोनों सेक्शन से कम दो दो क्वेश्चन करने होते हैं, एक कंपल्सरी होता है एक ऑप्शनल होता है, इसलिए सेक्शन वाइज प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, राइट। पहले देखते हैं पेपर वन में, पेपर वन के सेक्शन ए में चार सब्जेक्ट हैं, पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर कॉस्ट, ऑडिट और टैक्सेशन, इनको डिटेल में हम देखेंगे। सेक्शन बी में सिर्फ दो सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशंस। हमारा सजेशन ये होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अच्छी तरह से तैयार किया जाए, प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं, राइट। और पेपर टू, इसमें सेक्शन ए में दो सब्जेक्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, और सेक्शन बी में फिर दो सब्जेक्ट हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इस तरह से कॉमर्स के सब्जेक्ट में टोटल सिलेबस में 4+2 6, 6+2 8, 8+2 10 सब्जेक्ट्स हैं। 10 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी होती है, उसकी स्ट्रेटेजिक ढंग से तैयारी करनी होती है, अलग अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। अब आइए सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए, पेपर वन का सेक्शन ए, जिसमें पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेनली चार चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, ये पूरी तरह से थ्योरी है, और इसमें 12 से 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करने होते हैं, अराउंड 30-35 पेजेस का स्टडी मटेरियल होता है इसमें। दूसरा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन, जो प्लस टू लेवल पे इश्यू ऑफ शेयर्स होता है, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, और ग्रेजुएशन लेवल पे बाईबैक ऑफ शेयर्स होता है, ईसॉप्स होता है, वो कवर्ड है यहाँ पर। उसके बाद है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट्स, जो नया फॉर्मेट है कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली फाइनल अकाउंट्स तैयार करने होते हैं। उसके बाद है अमलगमेशन अब्जॉर्प्शन रिकंस्ट्रक्शन, राइट, ये थोड़ा सा टफ चैप्टर होता है, जनरली हम थ्योरी रिकमेंड करते हैं। तो इस तरह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर फोर मेन सब्जेक्ट्स हैं, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, दूसरा इश्यू ऑफ शेयर्स, तीसरा फाइनल अकाउंट्स, और फोर्थ अमलगमेशन। बाकी और कुछ नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। कई बार स्टूडेंट्स अपने आप एस्टिमेट लगा लेते हैं कि इसमें होल्डिंग कंपनी भी होगा, इसमें ब्रांच अकाउंट भी होगा, पार्टनरशिप भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है, जितना लिखा है वही है। उसके बाद आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में मेनली पांच चैप्टर्स हैं। पहला है कॉस्ट कंसेप्ट, ये तो इंट्रोडक्टरी है लगभग 3-4 पेज का। पहला है कॉस्ट कंसेप्ट, जिसपे 10-12 पेजेस होते हैं कॉस्ट कंसेप्ट, उसमें से जनरली थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, आपके सिलेबस में तीन मेथड इंक्लूडेड हैं, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बहुत छोटे चैप्टर हैं, जिसमें 3-5 पेज होते हैं हर चैप्टर में, और प्रोसेस कॉस्टिंग थोड़ा सा बड़ा है, जिसमें लगभग 20 पेजेस हैं, राइट। और हम जनरली सजेस्ट करते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस मिलते हैं। उसके बाद एक बड़ा चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड सीवीपी एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, प्रैक्टिस की जरूरत भी पड़ती है। ये है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड सीवीपी एनालिसिस, इसमें डिटेल में सब कुछ दे रखा है, इसलिए सिलेबस हो सकता है बड़ा लगे, क्योंकि चैप्टर के अंदर जो चीजें हैं ना वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल, ये दो चैप्टर हैं जो एक सूटेबल लेंथ में आपको तैयार करने होते हैं। बाद में एक छोटा सा थ्योरी सब्जेक्ट होता है, चैप्टर होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, अराउंड 5-6 पेजेस का। सो दिस इज सिलेबस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आगे चलते हैं, उसके बाद आता है टैक्सेशन। टैक्सेशन के अंदर मेनली है इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स भी इंडिविजुअल्स का इनकम टैक्स है, और वो भी काफी लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब सारे चैप्टर सिर्फ टोटल इनकम कैलकुलेट करने से रिलेटेड है, इवन टैक्स लाइबिलिटी भी नहीं आता, और फाइलिंग ऑफ रिटर्न भी नहीं होता, टीडीएस भी नहीं होता है, और असेसमेंट भी नहीं है, और वो भी सिर्फ इंडिविजुअल्स का। सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ इंडिविजुअल्स का, मतलब बीकॉम पास लेवल पे जो इनकम टैक्स किया जाता है, ओके, वही सिलेबस है इनकम टैक्स का, इवन ऑनर्स लेवल भी नहीं है। हाँ, इसमें एक है सेलेंट फीचर्स एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू वैट एंड सर्विस टैक्स। वैट एंड सर्विस टैक्स अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम सजेशन देते हैं कि अब जीएसटी किया जाए, जीएसटी में 8-10 पेज के सेलेंट फीचर्स कर ले जाएं। सेलेंट फीचर्स का मतलब है बेसिक बातें कि जीएसटी क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, जीएसटी का सिस्टम क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, राइट, जीएसटी के क्या बेनिफिट्स हैं, जीएसटी में क्या चैलेंजेस हैं, इस तरह से जो 5-6 बेसिक चीजें हैं वो कवर करनी होती हैं। यह है इनकम टैक्स, राइट। इनकम टैक्स के बाद आता है ऑडिट। पूरे सिलेबस में ऑडिट सबसे छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि इसमें आता है कंपनी ऑडिट और ऑडिट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स। कंपनी ऑडिट में सिर्फ अपॉइंटमेंट, रिमूवल, राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज, ये कुछ आता है, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन आता है, राइट। और उसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट, लगभग 6 पेज का ये
टोटल स्टडी मटेरियल है इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट, उसके बाद ऑडिट ऑफ बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, नेट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ये कह सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे जो कुछ चैप्टर्स कवर होते हैं वही यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो टोटल अराउंड 45-50 पेजेस का ऑडिट का मटेरियल बनता है, सबसे छोटा है, 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन काफी प्रेडिक्टेबल होते हैं यहाँ पर। उसके बाद आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सेक्शन बी में आता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक मेजर पार्ट है आपके सिलेबस का, मेजर पार्ट है जिसमें 8 चैप्टर हैं। ये 8 चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स उसको कवर करते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ फाइनेंस फंक्शन, उसके बाद है रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसके बगैर अच्छी तरह से नहीं हो सकता। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कैपिटल बजटिंग, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हृदय है कैपिटल बजटिंग, सो इट इज कवर्ड। देयर आफ्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इस तरह से 8 चैप्टर हैं। लगभग फाइनेंशियल मैनेजमेंट से लगभग 120 से 130 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और हम सजेस्ट करते हैं कि सेक्शन ए के बजाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अच्छी तरह से किया जाए। डिटेल में स्ट्रेटजी बाद में डिस्कस होगी। उसके बाद आता है फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ये वही है जो ग्रेजुएशन लेवल पे आप कवर करते हैं, राइट। फाइनेंशियल मार्केट्स में मेनली 3 सब्जेक्ट आते हैं, चैप्टर्स आते हैं, पहला है मनी मार्केट, दूसरा है कैपिटल मार्केट और तीसरा है फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट। मनी मार्केट के अंदर आरबीआई और मनी मार्केट इंस्टीट्यूशंस आता है, कैपिटल मार्केट के अंदर कैपिटल मार्केट और आरबीआई, उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, आईआरडीए वगैरह आपको तैयार करना होता है। अराउंड 30-40 मार्क्स के क्वेश्चन इस सेक्शन से आते हैं, राइट। आगे चलते हैं, अब आ गया पेपर टू। पेपर टू में 2 सेक्शंस हैं, पहला सेक्शन ए जिसमें ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी आता है। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंदर सारे चैप्टर लगभग 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं कि व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट और तीसरा है हाउ टू मैनेज ऑर्गेनाइजेशंस वेल। आपने जो प्लस टू में बिजनेस स्टडीज पढ़ा है काफी उसी नेचर का ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी और नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है। तो इसमें 10 चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर छोटे हैं, कुछ चैप्टर बड़े हैं, राइट। हाँ, इसको अच्छी तरह से करना होता है क्योंकि यहाँ से जो है लगभग 120 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जिसमें से हम सजेस्ट करते हैं कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन आप जरूर करें, राइट। आगे उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के कंपैरिजन में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इजी है और काफी आपके अंडरस्टैंडिंग के नजदीक है। इसके अंदर 8 चैप्टर्स होते हैं, राइट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, सो मीनिंग एंड कंसेप्ट, पर्सनालिटी, परसेप्शन, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, लीडरशिप, मोटिवेशन, ओके एटसेट्रा, इसके अंदर चैप्टर्स हैं, राइट, पढ़ने में आसान है। नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ज्यादातर आप लोगों ने जो है ग्रेजुएशन लेवल पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की स्टडी की होगी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में 7 चैप्टर हैं, इनका मेन फोकस है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन मैनेजमेंट, लेबर वेलफेयर एटसेट्रा। तो इस तरह से 7 चैप्टर है और काफी ईजी सब्जेक्ट है, काफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सबसे लास्ट में आता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर वर्कर मैनेजमेंट के रिलेशंस आते हैं, ट्रेड यूनियनिज्म आता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, उनका सेटलमेंट, उनका प्रिवेंशन, थereafter वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग, लेबर टर्नओवर, एब्सेंटिज्म, ILO एंड IR इन PSUs, इस तरह से 8 चैप्टर इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर आते हैं, राइट। तो ये था ओवरऑल सिलेबस। हर सब्जेक्ट के ऊपर हम अलग से भी स्ट्रेटजी वीडियो बनाएंगे जिनको धीरे धीरे लोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पे, राइट। उसके बाद हमने 44 ईयर्स मतलब 1979 से लेकर 22 तक के जो क्वेश्चंस हैं, इवन 23 हम इंक्लूड कर लेंगे, उसके ऊपर हमने PYQs के सॉल्यूशन तैयार किए हैं। 2 बुक हैं, एक पेपर 1 की और एक पेपर 2 की। आप इनसे अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर कर सकते हैं, आपको UPSC के बारे में अच्छा आइडिया मिलेगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, राइट। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट करना चाहें तो हम रैंकर्स क्लासेस राजेंद्र नगर दिल्ली में सिचुएटेड हैं, ये हमारा एड्रेस है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, इस पर आप रेगुलरली कॉमर्स के बारे में अपडेट्स ले सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर आप कॉल करना चाहें तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं और आप हमें मेल भी कर सकते हैं और हमारी मेल वेब एड्रेस भी है rankersclasses.in, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी सिलेबस। थैंक यू।